हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? गुड, वेरी गुड। आज हम हिंदी का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट है कविता। पार्ट का नाम क्या है? आम की टोकरी। आप सभी आम के बारे में तो जानते हो ना। आम कौन से ऋतु में आते हैं? गर्मी के मौसम में आते हैं ना। आम कैसे होते हैं? आम हरे होते हैं और पीले भी होते हैं। ग्रीन आम खट्टे होते हैं और जो पीले होते हैं वो मीठे होते हैं, है ना। आज हमारी कविता है आम की टोकरी। चलो पढ़ते हैं। लेसन थ्री, आम की टोकरी। आम आपको मालूम ही है ना, ये आम है और ये टोकरी, आम की टोकरी। चित्र देखिए, आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ है, बच्चे हैं, घर है और आम है, आम की टोकरी भी है। चलो कविता पढ़ते हैं। 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना। ओके, ये कविता है। इसमें एक छोटी सी बच्ची है 6 साल की, 6 ईयर की। तो यह देखिए, 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। ये जो लड़की है 6 ईयर की है, ये टोकरी भर के लेके आई है। टोकरी में क्या है? आम। और ये किसी को दाम नहीं बता रही है, सब बच्चों को टोकरी दिखा रही है, दिखा दिखा कर टोकरी। ये बच्चों को टोकरी दिखा रही है और बच्चों को बुला रही है। बच्चे बोल रहे हैं कि एक 6 साल की छोकरी है जो आम की टोकरी भर के लेके आई है और हम सबको टोकरी दिखा रही है, और टोकरी में आम है और वो हमको दाम नहीं बताती है और हम सबको बुला रही है। हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम। बच्चों को वो जो 6 ईयर की लड़की है वो आम दे रही है। तो बच्चों ने कहा है कि हमको उसका नाम नहीं पूछना और हमको आम चूसना है। ये है आपकी कविता। समझ में आई ना सबको? हार्ड वर्ड्स क्या है इसमें? 6 का अर्थ है 6। छोकरी लड़की, आम तो आपको मालूम ही है, मैंगो। थैंक यू।